ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं वो जो है भारत। बढ़िया भाषण दिए, धन्यवाद। दिखाएगा फिर से एक बार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, थैंक यू चेयरमैन साहब। आज सदन में, नए सदन में चंद्रयान 3rd, 3rd, 3rd के बारे में चर्चा हो रही है और ये बहुत बड़ी। डॉक्टर श्रीकांत स्पोक फॉर 14 मिनट्स। 14 मिनट्स बहुत ही। राहुल जी याद रखिए। हाँ जी सर, आपके बैठे जो यंग हैं, नौजवान हैं, उनको आप टाइम देते हैं तो उसकी सफलता के बारे में, और इसमें कोई भी मेरी ख्याल से कोई पार्टी की बात नहीं, किसी भी सत्ता की बात नहीं, और सब 140 करोड़ लोग उनका योगदान है और वो आज इस चीज से खुश हैं सर। लेकिन इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सदन में और देश के सामने रखना, आपने समय दिया है, टाइम दिया है, हमारी जो भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है वो सर, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी से लेके हमारे अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारी हमेशा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ हम हमेशा चले हैं। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, उसने भी इस पे बहुत कड़ा स्टैंड लिया है, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्रूडो ने वहां पे अपनी पार्लियामेंट में बोला है। और मैं एक सिख हूं इसलिए आज खड़ा हूं सर। सिख एक बहुत ही इमोशनल एक कौम है और उसको जानबूझ के, क्योंकि इमोशनल है, और इस देश की आजादी में उनका सबसे बड़ा रोल रहा है, इसलिए कोशिश की जाती है भी उसे कैसे दरार डालें, उसमें उसको कैसे तोड़े। हैं जी, और बहुत ही मजबूत कौम है जिसने लाखों में अपनी शहादत दी देश के लिए। और सर हमने, क्योंकि इतनी मजबूती पाई, हमने हमेशा, चाहे अब रशिया हो अपनी लाइन ली है, चाहे चाइना हो अपनी लाइन ली है, रशिया यूक्रेन की चाहे लड़ाई चल रही है उसमें भी हमने अपनी लाइन लेके रखी है, और चाहे सर नाटो फोर्सेस है वो ज्यादा एक तरफ मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपना स्टैंड है जो भारत ने अपना लेके रखा, हमारे देश ने, इंडिया ने अपना लेके रखा। ये तकलीफ बहुत देशों को हुई, इसलिए सर अब एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी नहीं हुआ, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने सदन पार्लियामेंट में बोल के हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट उसने बोला है। तो सर इसी तरीके से ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने, कनिष्क आपको याद होगा, कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे, उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निजर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी, और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया, और ये कहा गया वहां पे एक, मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका सर, उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो सर जो एनआईए या पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से out of 10 सर 8 आर इन कनाडा, उनको वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है, और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नान लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर
सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में हैं, और वहां से सर लाखों डॉलर पौंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो आधा परसेंट लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। जहां तक सिखों की बात है सर, 99.5% हमारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं, लाखों एकड़ जमीन है, बिजनेस है सर उनका, कारोबार है बड़े से बड़े। मैं इस सदन में उनसे कहना चाहता हूं भाई, ट्रूडो को उनकी पार्टी को जाके कहें आप, अगर क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने यहां आना है, पंजाबियों ने यहां आना है, यहां से रिश्तेदारों ने वहां जाना है। आज सर 7 लाख बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वहां पे, लाखों करोड़ों रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है उन्होंने पढ़ाने के लिए, वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं, आज वीजा बंद हो गया, कुछ लोग वहां पे गए हुए जिनकी पीआर होनी है। ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं, अगर भाई अगर आपका जहाज खराब हो गया यहां पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख जहाज खराब हो गया था सर, 2018 में जब भी आए थे जहाज खराब हो गया था उनका। बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं अभी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें नहीं रही, भारत सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था, वो भी नहीं माने, तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब तो उस चीज को, क्योंकि सर इससे भी अब भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हर एक आगे एक, आगे बढ़िए। एक बात सर, आखिर सर एक बात और सर, एक जब भी सिखों को क्यों बीच में ला लेके आते हैं, जब सर अगर उनको वो कहें कोई कनेडियन उनका, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी जिसने वहां पे टेररिस्ट है जो इंडिया में छिपा है, तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे। लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मूसे वाले का नाम सबने सुना है, उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ, और वो कहां बैठा है? वो कनेडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है वो सारी की सारी गैंगस्टर कनेडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 95.5% लोग हैं वो इस देश के साथ हैं और अमन पसंद है। ये सिर्फ आधा परसेंट, जो आधा परसेंट लोग हैं, 99.5% जो आधा परसेंट लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है, चाहे G20 हो चाहे कोई और हो। उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है भी, टेररिज्म को कंट्रोल करना है। इस बात से जो इस बार ट्रूडो साहब ने की है, इससे इंटरनेशनल छवि कनेडा की कहीं रहेगी नहीं। पर कनेडा तो एक पपेट है सर उस देश का, ये सब कुछ CIA के इशारे पे हो रहा है भी। आज चलो नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मत कही, आज हिंदुस्तान वो देश नहीं है कल जो 70 साल पहले था। आज जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोदी जी तक, उसके खिलाफ भी बोले हैं, मनमोहन सिंह जी तक, ब्रिटेन, ये हमारा ठीक है सर, ठीक सर, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। पर मैं ये कह दूं एंड में भाई, जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं, अगर ये गलत फहमी में कनेडा या कोई देश ना रहे और सिखों को बांटने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुंह तोड़ जवाब उनको हमेशा दिया जाएगा। और इस बार आपने टाइम दिया, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।